हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ मैथ्स चैप्टर वन शेप्स एंड पैटर्न्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। यानी कि इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला गया कि ड्रॉ करना है आपको एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंड उस सर्कल की आपको फिर डायमीटर भी फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की रेडियस बोले हैं, तो राउंडर में आप पेंसिल अटैच कर देंगे और 7 सेंटीमीटर की रेडियस के लिए चलिए इसका ब्लॉक फिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से चलिए ड्रॉ करते हैं सर्कल। हमने सर्कल ड्रॉ करना आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सिंपली आपको इस टाइप से सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है, आपको शायद ये सर्कल पूरा दिख नहीं रहा है, लेट मी शो यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंपली अब इसके सेंटर पे सेंटर को नाम दे देंगे ओ। ओके, एंड सेंटर से एक रेडियस बना देंगे 7 सेंटीमीटर की। इस टाइप से यहां लिख देंगे कि ये 7 सेंटीमीटर है। ये रहे स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था कि आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो चलिए डायमीटर निकालते हैं। तो डायमीटर निकालने के लिए स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने आपको डायमीटर निकालने का फॉर्मूला बताया थे, वो था डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, राइट। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 के नीचे 2 मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है वो है 7 सेंटीमीटर, तो 7, तो 2 7 हो जाएगा 14, और क्योंकि सेंटीमीटर में, तो इस तरीके से जो डायमीटर है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।